और सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री यहां कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री यहां ऊर्जा गंगा परियोजना और डीजल रेल कारखाना के विस्तारीकरण परियोजना की शुरुआत करेंगे। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का स्वागत, वहां के राज्यपाल श्री नरेंद्र मोदी जी का, सभी गणमान्य अतिथिगण उनका स्वागत कर रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये उत्साह, ये उमंग जो आप सभी में है देखते ही बन रही है, और यही उत्साह उमंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे भारत देश को दी है, सिर्फ काशी को नहीं। आज काशी मुस्कुरा रही है, सारा भारत देश मुस्कुरा रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है, सर आसमान की ओर है, इतरा रहा है कि उसकी बागडोर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में है। जनप्रिय होने का रिकॉर्ड बनाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत जुड़े हुए हैं जनों से, इतनी लोकप्रियता, इतनी दीवानगी लोगों में, जनमानस में, भारतीयों में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उनकी कर्मठता को सभी मानते हैं, प्रणाम करते हैं, मिसाल मानते हैं। जो आज शुभारंभ होने जा रहा है, कितने सारे शुभारंभ आज होने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काशी के लिए मेरे कुछ इरादे हैं, और वो सारे इरादे उनके और सारे सपने आपके धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। उन्हीं में से कुछ सपने आज भी साकार होंगे, उसी के बारे में, उसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने एक बात और महसूस की होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ जानते हैं, दिव्य दृष्टा हैं, लेकिन बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं, उतने ही उत्सुक हैं। सारे विश्व को भारत के वजूद का एहसास कराया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और ये जताया है कि प्यार कपोतों से हमको, पर बाजों से परहेज नहीं, भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं, हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं, हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। ये गर्व दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। धन्य है ये भूमि जो जन्म जन्मांतर से पावन है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की मंगल कामनाएं विकास का पर्व मनाती हैं। काशी से शुरू हुआ विकास का उद्घोष आज आसमान में गूंज रहा है। इसकी गूंज, विकास की बूंद बूंद बारिश बनकर अब भरपूर बरसेगी। पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, समस्त उत्तर प्रदेश के वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा, माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, माननीय श्री ब्रह्म शंकर त्रिपाठी खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश,
माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य सांसद, माननीय श्री रामचरित निषाद सांसद, माननीय श्री राम गोपाल मोहले महापौर वाराणसी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। पावन काशी में विकास की भोर को विजय तिलक लगाने वाले, बनारस की शान आन और मान की हिफाजत करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए अब मैं निवेदन करूंगी सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय श्री के डी त्रिपाठी से। फूलों से स्वागत और शॉल से अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसेवा की पुण्य भावना को प्रेरणा मानकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पूरे समर्पण से जन जन से जोड़ रहे हैं माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, आपसे मेरा निवेदन है माननीय की कृपया स्वागत संबोधन दें। मंच पे विराजमान विश्व के अद्वितीय जननेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, काशी के सांसद सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पे बैठे हुए उत्तर प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल माननीय राम नायक जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी मनोज सिन्हा जी, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्माननीय मंत्री सांसद रामचरित जी, यहाँ के मेयर मोहले जी, इस सभागार में उपस्थित भाई और बहनों, भारत सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकारी बंधु, मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी को काशी में बाबा की नगरी में, शिव जी की नगरी में, विश्वनाथ की नगरी में आप सभी महानुभावों को मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, ये एक जीवंत शहर है, ये अभी शहर नहीं रहा है, काशी एक सभ्यता बन चुकी है, भारतीय संस्कृति की परिचय है, ये भारतीय संस्कृति की पर्यायवाची है, ये विद्वता की नगरी है, शिक्षा कला संस्कृति की नगरी है, संस्कृत हिंदी की नगरी है, संगीत और हस्तकला की नगरी है, यह कर्म भूमि है आदि शंकराचार्य जी की, कर्म भूमि है भगवान बुद्ध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, पंडित महामाना मालवीय जी की, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी की, यह कर्म भूमि है देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आप सभी का इस सभागार में स्वागत करता हूं। मित्रों, एक समय में काशी की परिचय शिक्षा विद्वता आध्यात्मिकता कला संस्कृति की परिचय था, काशी की यह भी परिचय है, काशी एक औद्योगिक नगरी है, हस्तकला की नगरी है, अर्थनीति की नगरी है, उद्यमियों की नगरी है, भारत की आत्म स्वावलंबन की यह नगरी है। मित्रों, आज भारत सरकार की चार विभाग की ओर से पेट्रोलियम विभाग, रेल विभाग, डाक विभाग, विद्युत विभाग की ओर से कई सारे विकास के कामों की आज शुभारंभ किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा, श्री गणेश किया जाएगा। मित्रों, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सामने वचन दिया था, अपने इरादा व्यक्त किया था, जब तक पूर्वी भारत की विकास नहीं होती है तब तक भारत की विकास कल्पना करना संभव नहीं है। मित्रों, ये इरादा, ये संकल्पना सिर्फ एक स्लोगान तक नहीं सीमित था। जब प्रधानमंत्री जी पहली बार जिम्मेवारी संभाले, पहला भाषण में उन्होंने अपना प्रतिबद्धता बताई, उनकी सरकार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए समर्पित किया। मित्रों, आज समय आई है इसको साकार रूप देने के लिए। आज की ये उत्सव विकसित पूर्वांचल, समृद्ध भारत और ऊर्जा की गंगा की ये अभियान उसी कड़ी में एक कदम है, एक पहल है। मित्रों,
प्रधानमंत्री जी के मन में एक पीड़ा है। 1800 सदी में जब विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई, उस समय में भारत की मेहनत रही, भारत पराधीन था, भारत की मेहनत से दूसरों की अर्थनीति की विकास हुई। मित्रों, आज देश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की मान सम्मान बढ़ी है, विश्व के अंदर भारत की प्रभाव बढ़ी है। आज मौका है भारत की, आज मौका है भारत की नौजवानों की, आज मौका है भारत की माँ बहनों की। आज एक सफल नेता के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। मित्रों, आगे बढ़ने में पूर्वांचल का भी हिस्सा रहे, काशी का भी हिस्सा रहे। आज इस महत्वपूर्ण विकास पर्व में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, भारत सरकार की चार विभाग की ओर से स्वागत करता हूं, प्रधानमंत्री जी की संसदीय क्षेत्र में इस ऊर्जा गंगा की लोकार्पण में आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान। शिव, साज, स्वर, हुनर, बुनकर की सांस्कृतिक नगरी बनारस ने बरसों से सपनों का ताना बाना बुना था। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी सपनों को एक एक करके सच करते जा रहे हैं। आज फिर विकास की गंगा वाराणसी में बहेगी। ये प्राचीन नगरी नए नए परिवर्तनों से आज फिर निखरेगी। सबसे पहले भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से रोशनी से जगमगाता दिवाली का तोहफा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा सादर आग्रह है कि कृपया 765/400 किलोवाट GIS वाराणसी विद्युत सबस्टेशन का माननीय शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। जी हां, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ। बनारस पूर्वी भारत सांस्कृतिक केंद्र। इस सांस्कृतिक केंद्र को आधुनिकता का जामा पहनाने में भी पावर ग्रिड का है अहम योगदान। उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसा बनारस एक प्रमुख लोड सेंटर है, इसलिए पावर ग्रिड के बनारस सबस्टेशन को रणनीतिक तौर पर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में निरंतर बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करने और खासकर बनारस को ऊर्जा संपन्न बनाने के उद्देश्य से बनारस में 3000 MVA की उच्च क्षमता वाले 765/400 KV के गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की स्थापना की गई है। इस स्टेट ऑफ द आर्ट गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन में पारंपरिक सबस्टेशन की तुलना में 40% कम भूमि का उपयोग हुआ है और GIS तकनीक का प्रयोग इसे भरोसेमंद और सुदृढ़ बनाता है। बनारस सबस्टेशन एक ओर गया के रास्ते 765 केवी लाइनों के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र के ताप विद्युत केंद्रों और दूसरी ओर कानपुर जैसे महत्वपूर्ण लोड सेंटर से होकर दिल्ली से भी जुड़ा है, ताकि ये सरप्लस रीजन से प्रचुर मात्रा में बिजली ले सके। इससे बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल में गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। और अब वाराणसी में बहेगी ऊर्जा गंगा, जो पूर्वी भारत के जनजीवन में जी भर के खुशियां और समृद्धि लुटाएगी। नल की तरह खोलो तो खाना बन जाएगा, CNG गाड़ियां शहर को स्मार्ट बनाएंगी, खुशहाली की जमीन उपजाऊ होगी, फसल फूलेगी हर्ष की। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की शहरी गैस वितरण परियोजना की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण अपने कर कमलों द्वारा करें रिमोट का बटन दबाकर। पतित पावनी माँ गंगा के तट पर स्थित गंगा जमुनी तहजीब को संजोए काशी सदियों से धर्म, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र रही है। इधर बुनी जा रही साड़ियों के रंग मन मोह लेंगे और गंगा आरती में आपके हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे। ये प्राचीन शहर अपनी आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए समग्र विकास के पथ पर बढ़ रहा है। पूर्वी भारत की ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जुड़कर वाराणसी को शहर गैस वितरण की सौगात मिल रही है। भारत सरकार की अग्रणी कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड
आपके घरों में नल से पानी की तरह पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचाएगी। इसके द्वारा आपके घरों, होटल, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी तथा अन्य उद्योगों की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडरों को ग्रामीण इलाकों में दिया जा सकेगा। गैस आधारित मोक्ष धाम से स्वच्छता की प्रगतिशील पहल होगी। गैस ग्रिड का, पाइपलाइन के नेटवर्क का एक बहुत बड़ा अभियान उठाना हमने तय किया। शहरों के पॉल्यूशन की बड़ी चर्चा है और उसके लिए हमने तय किया है कि हम परिवारों में पाइपलाइन से गैस का कनेक्शन दें। अब तक हिंदुस्तान में 27 लाख परिवारों के पास पाइपलाइन से गैस कनेक्शन है। हम आने वाले 4 साल में ये संख्या 1 करोड़ पहुंचाना चाहते हैं, 1 करोड़ परिवार। इस परियोजना में लगभग 20,000 वाहनों को सीएनजी में बदला जाएगा, जिससे शहर के वायु प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय कमी होगी। 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से पूरे शहर में लगभग 800 किलोमीटर का स्टील और पॉलीएथिलीन पाइप नेटवर्क डाला जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शहर गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखे जाने के साथ वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का संकल्प अपना मूर्त रूप लेगा। वाराणसी में अविरल, सुरक्षित, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के सूर्य का उदय हो रहा है। हमारा ये मानना है कि ऊर्जा का ये नया प्रकाश विकसित पूर्वांचल, समृद्ध भारत की कल्पना को साकार करेगा। महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन सिर्फ कहने से नहीं होता, शुरुआत करनी पड़ती है। बेटी बचाओ से, बेटी पढ़ाओ से करके दिखाना पड़ता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। और सुकन्या समृद्धि खाता योजना का विवेक और विकास का कदम उठाया। हमारा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया 5 बालिकाओं जिनकी उम्र 7 माह से 9 साल तक की है, उन्हें खाते की पासबुक प्रदान करें। माननीय कुमारी नाजिया, पापा का नाम है जनाब कलीमुल्ला, गांव में रहती हैं, गांव का नाम है पिपरिया चकिया चंदौली, डेयरी का काम करता है परिवार। कहती है पढ़ेंगी, पापा कहते हैं पढ़ा लिखा के शादी करेंगे। दो साल की है कुमारी निधि पाल, पापा का नाम है विजय पाल, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं, सपने हैं पढ़ना है, अच्छा बनना है, पापा कहते हैं पढ़ा लिखा के शादी करेंगे, लेकिन बेटी पढ़ी लिखी तो होगी। इन सभी के सपने हैं, बेटियों को अच्छे से पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है, कुछ नौकरी करना चाहती हैं, पापा मम्मी के भी बड़े सपने हैं। कुमारी अनुष्का यादव शहर की है, 4 साल की उम्र है, पापा श्री विनय कुमार यादव राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती खिलाड़ी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया। सुकन्या समृद्धि योजना, लड़कियों का विकास, बेटियों का विकास, तितलियों का विकास, इस बगिया का विकास। कुमारी सारिया सुगम, पापा श्री संतोष कुमार अध्यापक हैं, गांव में रहती हैं, उम्र है 2 साल। मम्मी की गोदी में बैठकर आई हैं, बहुत सारा आशीर्वाद लेकर बटोर कर जाएंगी आज माननीय प्रधानमंत्री जी से। बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उन्हें ये पासबुक प्रदान की गई। और अब कुमारी आराध्या यादव, उम्र 1 साल, पुत्री श्री चंद्रप्रकाश सिंह, श्री चंद्रप्रकाश सिंह डेली वेजेस रोजगार सेवक हैं, अल्प आय वर्ग होने के कारण समृद्धि खाता उन्होंने खुलवाया,
और पुत्री के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इससे पहले उन महिलाओं के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था जो धुएं की घुटन में तकलीफें झेला करती थीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा ही नहीं, कर दिखाया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन है कि कृपया 5 महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन प्रदान करें। श्रीमती मुन्नी देवी, गोविंदपुर रोहानिया, बनारस। ईंधन लकड़ी नहीं मिलता था, लेकिन अब गैस से आराम हो जाएगा, कहती हैं। बरसात में बहुत दिक्कत होती थी, आसपास के घरों में बर्तन धोती हैं कमाने के लिए, अब गैस आने से बहुत खुश हैं। श्रीमती दुर्गावती भरतरा, बनारस से। एक आंख से ठीक से नहीं दिखता तो खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, चूल्हे से यहाँ वहाँ से लकड़ी काट के लाना पड़ता था, अब घर में खाना बनाऊंगी मैं आराम से, ऐसा कहती हैं। शुभकामनाएं ग्रहण करती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी से। श्रीमती राधिका बनारस की है। ये चूल्हे में तो धुआं लगता है, जल भी जाते हैं कभी कभी, चोट लग जाती है। गैस से जल्दी खाना बनेगा, धुएं से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मानना है इनका। मोहतरमा नजमा, जो बनारस से हैं, लकड़ी का जुगाड़ हो तो खाना बनेगा, नहीं तो क्या करेंगे। अब तो गैस की बात तो दूसरी ही है, खुशियां अब रसोई घर तक आ पहुंची हैं, बहुत खुश है नजमा। देखिए उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कितनी खुश है वो। श्रीमती पुष्पा गौर, मधुकर, शाहपुर, बनारस। दो लड़कियां हैं, दो बहुएं हैं, खाना तो वो बना लेती हैं, लेकिन लकड़ी लाने की बड़ी समस्या है, खरीदने जाना पड़ता है। गैस मिली तो फिर चाय बनाई, नाश्ता बनाई, खाना बनाई, नूडल भी बनाएंगी, कहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सौगातें काशी को भेंट करने के लिए। अब हमारा सादर अनुरोध है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संचार एवं रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा से कि कृपया इस अवसर पर अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको अवगत कराएं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल सम्माननीय श्री राम नाईक जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, सम्माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष और इलाहाबाद फूलपुर से सांसद सम्माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे लोकसभा में सहयोगी और आपके बगल के सांसद श्रीमान रामचरित्र निषाद जी, काशी के महापौर श्री राम गोपाल मोहले जी, समारोह में उपस्थित काशी के श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अभी सम्माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आपके समक्ष रखी है। ऊर्जा मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की दो परियोजनाओं का शुभारंभ सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। 25,000 बच्चियां जो 10 वर्ष से कम उम्र की हैं, वाराणसी जनपद में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत उनके खाते खोले गए हैं। आज का जो कार्यक्रम है, मैं केवल कार्यक्रमों की चर्चा करके बात अपनी पूरी करूंगा। मड़ुआडी से लेकर के इलाहाबाद तक, मैंने वाराणसी इलाहाबाद का जो रेल खंड है, दोहरीकरण विद्युतीकरण का अभी शुभारंभ सम्माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। 2020 तक ये काम पूरा हो जाएगा। 759 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा होगा और गंगा जी पर एक नया ब्रिज भी भारतीय रेल बना रही है,
जिस परिसर में यह कार्यक्रम हो रहा है, आज से डेढ़ वर्ष पूर्व सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं इसी मैदान में उस परियोजना की आधारशिला रखी थी, DLW के विस्तारीकरण की। समय था 2017 मार्च, लेकिन वो आज काम पूरा हो गया है, वो भी राष्ट्र को समर्पित सम्माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। एक इच्छा प्रधानमंत्री जी की थी, उन्होंने निर्देश दिया था कि डीजल लोको बनता है तो इलेक्ट्रिक लोको क्यों नहीं बनेगा बनारस में। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अब DLW में इस वर्ष 5 डुअल मोड के लोको, जो डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन दोनों से चलेंगे, इस वर्ष बनने जा रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रिक इंजन भी DLW में बनने जा रहा है। भविष्य में इसका विस्तार और होगा। मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने DLW की आधारशिला रखी थी, तब से विस्तार का काम पूरी तरह ठप हो गया था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि काशी के लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा और DLW की क्षमता में भी वृद्धि होगी। एक और छोटी सी परियोजना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बार बार किसानों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र सेवराई में एक स्थान है राजा तालाब, जहाँ सब्जी का उत्पादन बहुत होता है। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि कंटेनर कारपोरेशन को किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, तो आज एक पेरिसेबल कार्गो बनाने की आधारशिला भी प्रधानमंत्री जी रखेंगे, जो एक वर्ष में पूरा हो जाएगा, और इस क्षेत्र के तमाम किसान जो सब्जी का उत्पादन करते हैं, मैं समझता हूँ सुविधापूर्वक अपनी सब्जी वहाँ रख सकते हैं 10 दिन 15 दिन तक, और भारतीय रेल उसे अच्छे बाजार तक पहुँचाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक ही रीजन हुआ करता था पोस्ट ऑफिस का, इलाहाबाद, जिसके अंतर्गत पूरे जिले आते थे। आज वाराणसी में इंडियन पोस्ट का एक नए रीजन की स्थापना भी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगी। अब वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, भदोही और बलिया, ये जनपद अब वाराणसी रीजन के अंतर्गत आएंगे, तो एक नया काम वाराणसी रीजन बना करके भी पोस्ट ऑफिस ने किया है। एक और परियोजना है जो प्रधानमंत्री जी की, मैं कहूँ कि सबसे प्रिय परियोजना है, वो भारत नेट की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बना करके एक लक्ष्य रखा है, 1,00,000 ग्राम पंचायतों को 2017 मार्च तक हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाए, और शेष 1,50,000 ग्राम पंचायतों को 2018 अक्टूबर तक। वाराणसी जनपद के 2 विकास खंड आराजी लाइन और सेवराई और सेवापुरी, ये पिछले दिनों लोकार्पित हो गए, और मैं भरोसा देना चाहता हूँ इस मंच से कि 31 दिसंबर के पहले ही वाराणसी जनपद के हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुँच जाएगा। प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूँ कि इस दिशा में बार बार निर्देश देते रहते हैं, तो अनेक इस तरह की परियोजनाएँ आज वाराणसी में प्रारंभ हुई हैं। आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि पूरी उत्तर प्रदेश में, एक बात मैं आपको सूचना के लिए केवल देना चाहता हूं कि आज एक रेलखंड नहीं है जिसका दोहरीकरण और विद्युतीकरण 2 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने स्वीकृत नहीं कर दिया है। अब पूरी उत्तर प्रदेश में सभी रेलखंड ब्रॉड गेज के हो जाएंगे, यूनिगेज का जो सिद्धांत है उस पर भारतीय रेल आगे बढ़ रही है, और जितने रेलखंड हैं सबका दोहरीकरण और विद्युतीकरण स्वीकृत हो गया है। तो मैं कह सकता हूँ 1947 के बाद और 2014 के बीच भारतीय रेलवे ने जितना निवेश पूरी उत्तर प्रदेश में नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा निवेश 2.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने पूरी उत्तर प्रदेश में किया है। आप सब विस्तार से प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। मुझे लगता है मैं यहीं अपनी बात पूरी करता हूँ। एक बार पुनः पवित्र जाह्नवी के वाम तट पर, विश्व की प्राचीनतम नगरी और सर्व विद्या की राजधानी काशी में, अपनी ओर से, आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। डाकघर और डाक सुविधाओं से जनता के दिल के तार हमेशा से जुड़े हुए हैं, खासकर ग्रामीण जनता के। इसको ही तो देकर विस्तार वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों को मिलेगा सरल सुगम डाक सुविधाओं का भंडार। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अनुनय है कि कृपया वाराणसी डाक परिक्षेत्र का उद्घाटन करें रिमोट का बटन दबाकर।
जी हाँ, शुभारंभ किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और ये देखिए, इस परिक्षेत्र का नक्शा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाराणसी डीजल रेल इंजन कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और छोटी इकाइयों के स्वदेशीकरण के एक प्रोजेक्ट के प्रथम भाग के विस्तार का शुभारंभ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और वो समय से पहले ही बनके तैयार है। बस अब सपने देखो कि वो तैयार हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया डीजल रेल इंजन कारखाना के विस्तारीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करें रिमोट का बटन दबाकर। जी हाँ, शुभारंभ किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी। एक बार हमारा आपसे फिर से निवेदन है कि दो पावन शहरों वाराणसी और इलाहाबाद की यात्रा को सुखद यानी जल्दी और बचत प्रदान करने वाली योजना RVNL के दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजना की भी शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। जी हाँ, ये भी सुखद शुभारंभ। और चलिए हम आपको ले चलते हैं एक छोटी सी सुखद यात्रा में। एक डीजल रेल इंजन कारखाना के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2014 को किया गया। 235 करोड़ की लागत वाले इस परियोजना का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा फास्ट ट्रैक टर्न की आधार पर किया गया और यह कार्य 2 वर्ष से कम अवधि में पूरा कर लिया गया। 100 वर्ग मीटर के प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग शेड, उन्नत पेंट बूथ एवं बेकिंग ओवंस, 6000 टन की भंडारण क्षमता वाला ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम से युक्त भंडार वार्ड, उच्च उत्पाद क्षमता वाले उन्नत मशीनरी एवं संयंत्र, शेड रूफ माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा हरित ऊर्जा का उत्पादन शामिल है। पावन नगरी वाराणसी में यह परियोजना मेक इन इंडिया अभियान का सूत्रपात है। डीरेका द्वारा डुअल मोड रेल इंजन का डिजाइन तैयार किया जा रहा है जो विद्युतीकृत और बिना विद्युतीकृत रेल मार्ग पर चल सकता है। इसके निर्माण की योजना बन चुकी है। डीरेका में विद्युत रेल इंजन के निर्माण का कार्य भी इसी वर्ष शुरू हो रहा है। वाराणसी माधो सिंह इलाहाबाद रेलखंड के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। 750 करोड़ की लागत वाले इस कार्य को 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना में झूसी और दारागंज रेलवे स्टेशनों के बीच गंगा नदी पर बने एकल लाइन पुल के स्थान पर दोहरे लाइन वाले नए पुल का निर्माण भी शामिल है। काशी नगरी को दिवाली की नई नई सौगातें मिल रही हैं। किसान भाइयों, आपकी सब्जियां और जिंदगी की खुशियां दोनों ही रहेंगी सुरक्षित पेरिशेबल कार्गो सेंटर में। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि कृपया वाराणसी डिवीजन के राजतालाब रेलवे स्टेशन स्थित पेरिशेबल कार्गो सेंटर की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न उपक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने ग्राहकों को कम लागत में विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 1988 में स्थापित कॉनकॉर ने विगत 27 वर्षों में पूरे देश में
अपने 64 कंटेनर टर्मिनलों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित कर लिया है। कंपनी अपने व्यवसाय के माध्यम से न केवल लाभ कमाने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह करती है। वाराणसी और इसके आसपास के जिलों में जहां सब्जियों का उत्पादन बहुत अधिक होता है परंतु उचित भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी मात्रा में सब्जियां खराब हो जाती हैं, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है तथा किसान भाइयों को औने पौने दाम में अपनी सब्जियां बेचनी पड़ती हैं। क्षेत्र में व्याप्त किसानों की इस समस्या का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से कौनकौर गाजीपुर के पश्चात अब राजा तालाब वाराणसी में पेरिशेबल कार्गो सेंटर का निर्माण इस कमी को दूर कर सकता है तथा इस क्षेत्र के किसान भाई इस सेंटर पर अपना माल कुछ दिनों के लिए बहुत ही कम मूल्य देकर रख सकेंगे तथा अपनी जरूरत के हिसाब से बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिससे इस क्षेत्र में किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कौन गौर के साथ सबका विकास। खाक जिस सरजमी की पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। यूँ तो नायाब है बनारस, मई 2014 से ये गर्व से और भी इतरा रहा है और आज भी ये मुस्करा रहा है, क्योंकि अब वाराणसी उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया जा रहा है, बल्कि जारी किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि कृपया वाराणसी शहर पर जारी कमोमरेटिव डाक टिकट का विमोचन करें और मैं निवेदन करूंगी सचिव डाक विभाग श्री बीवी सुधाकर से कि कृपया ये डाक टिकट माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदान करें। जी हाँ, ये गौरव बनारस को प्राप्त हो चुका है। वैसे ये अपने आप में गौरवान्वित है शहर। डाक टिकट का विमोचन किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, बहुत ही गर्व की बात है ये। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की दिव्य सोच ने वित्त से जोड़ा सबको, वित्तीय समावेशन ने उन्हें भी दिया सम्मान स्वाभिमान जिनके कभी बैंक में खाते भी नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ गांवों ने तो 100% वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करके दिखा भी दिया। ये सम्मान है 100% डाक बचत योजना से जुड़ने वाले गांवों का। हमारा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया दो ग्रामों के प्रधानों को सम्मानित करें जिन ग्रामों ने ये कीर्तिमान बनाया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्री संजय कुमार सिंह, बेला ग्राम चोलापुर के प्रधान। बेला ग्राम में कुल 457 परिवार रहते हैं जिनकी कुल जनसंख्या 2739 है। अब तक 857 बचत बैंक खाते इस ग्राम में खोले जा चुके हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य। माननीय प्रधानमंत्री जी के वित्तीय समावेशन के अंतर्गत इन ग्रामों ने ये कमाल दिखाया। अब आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मालती देवी, नवधन ग्राम ब्लॉक डीग जिला भदोही, प्रधान है ये यहाँ की। इस ग्राम में कुल 515 परिवार रहते हैं जिनकी कुल जनसंख्या 3254 है। अब तक 526 बचत बैंक खाते इस ग्राम में खोले जा चुके हैं। सचमुच भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, करवट बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। दिवाली की जगमगाहट से बनारस और पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश को रोशन करने के लिए शिवत्व और बुद्धत्व की संगम स्थली काशी को अपनी कर्म स्थली मान, द्वारका भूमि गुजरात से आए माननीय प्रधानमंत्री जी गीता का कर्मयोग साधे हुए वाराणसी की इस पावन नगरी को बड़ी श्रद्धा से विकास की सुगंध से सुवासित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ आज प्रगति के 6 रत्नों से वाराणसी के गौरव मुकुट को सजाया है, वहीं भारत के साहस, हिम्मत, इज्जत, शोहरत को अपने नेतृत्व से बुलंद बनाया है। भारत माँ और राष्ट्र संस्कृति के उपासक
माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अनुनय है कि कृपया हम सबको आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें, संबोधित करें। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इसी धरती के संतान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री मनोज सिन्हा जी, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, सुश्री अनुप्रिया पटेल जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के युवा अध्यक्ष और सांसद में मेरे साथी श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, सांसद श्री रामचरित्र निषाद जी, मेयर श्रीमान रामगोपाल जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले काशी वासियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैंने टीवी पर देखा, अखबारों में पढ़ा, कुछ यहां के स्थानीय नागरिकों ने मुझे फोन करके बताया कि हम काशी वालों ने छोटी दिवाली मना ली, सितंबर 29 को जब देश की सेना ने पराक्रम किया तो पूरा काशी झूम उठा था। काशी वासियों ने देश के सुरक्षा बलों का जो गौरव गान किया, मां गंगा की आरती को जिस प्रकार से समर्पित किया, यहां के सांसद के नाते आपके द्वारा सेना का इतना सम्मान हो, गौरव हो, तो मेरी खुशियों का कोई पार नहीं रहता। ये आपने जो छोटी दिवाली मनाई थी उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कई वर्षों के बाद 125 करोड़ देशवासी सेना के जवानों को एहसास कराने में सफल हुए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, 125 करोड़ का देश आपके पीछे खड़ा है। अब हम बड़ी दिवाली मनाने जा रहे हैं, हम तो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे, अपनों के बीच खुशियां बांटेंगे,
दिए जलाएंगे, अंधेरा हटाएंगे, रोशनी लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये तब संभव होता है जब किसी मां का लाल सीमा पर तैनात होकर के हम लोगों के सुख चैन के लिए अपने आप को खपा देता है। और इसलिए छोटी दिवाली मना करके देश को आपने दिशा दी। मैं काशी वासियों से, मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों से, मैं हिंदुस्तान भर के नागरिकों को काशी की धरती से आवाहन करता हूं, इस दिवाली में हम अपनों को जिस प्रकार से शुभकामनाएं देते हैं, हम भी हमारे सेना के जवानों को, हमारे सुरक्षा बलों को दीपावली का संदेश भेज करके उनके प्रति हमारे लगाव का एहसास कराना चाहिए। चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड में हो, चाहे वो इंडो टिबेटियन फोर्स में हो, चाहे वो असम राइफल में हो, चाहे वो बीएसएफ में हो, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, हर कोई 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात है। इस दीपावली में हम सबकी तरफ से उनको एक संदेश जाना चाहिए। भेजोगे? आवाज उधर से आ रही है, इधर क्या हो गया? भेजोगे? सबको अलग अलग पूछना पड़ रहा है। सब लोग एक साथ बताइए, भेजोगे? कैसे भेजोगे? आप अपने मोबाइल से 1922-1922 इस नंबर पर मिस कॉल करना, वहां आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज से आप नरेंद्र मोदी ऐप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सेना के जवानों को संदेश भेजने के लिए एक जगह है, उससे आप संदेश भेजेंगे, देश के सुरक्षा बलों को आपका संदेश पहुंचेगा। तो 1922 नंबर याद रहेगा आपको? याद रहेगा? कुछ लोगों ने तो कर भी दिया होगा। देश के सुरक्षा बलों को हर पल लगना चाहिए कि हमारी जवानी हम देश के लिए लगा रहे हैं, देशवासियों को हमारे लिए कितना गौरव है, कितना अभिमान है, ये प्रतिपल अनुभव होना चाहिए। सिर्फ बम बंदूक और गोलियों की आवाज के दरमियान हो ये काफी नहीं है। दुनिया के कई देशों में अगर सेना के जवान, सुरक्षा बल के जवान हवाई जहाज में जा रहे हो, रेलवे में जा रहे हो, और वहां सब पैसेंजर जब उनको देखते हैं, सब खड़े होकर के तालियों से उनका गौरवगान करते हैं और वो वहां से गुजरते रहते हैं। ये सामान्य स्वभाव बना हुआ है। हमारे देश में विशिष्ट परिस्थिति पैदा होती है, पराक्रम की बात आती है, तब तो वो आ जाता है, सब कुछ भक्ति एकदम से उमड़ पड़ती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है।
सेना के साथ, सुरक्षा बलों के साथ एक आत्मीय, एक गौरवपूर्ण, एक सम्मानजनक नाता जोड़ने का कल्चर हर हमेशा बना रहना चाहिए। विशिष्ट अवसरों पर बना रहे ये काफी नहीं है, और इसलिए मैंने इस बार खास सेना के जवानों को दिवाली का संदेश भेजा है और देशवासियों को भी कहा है कि आप भी मेरे साथ इस संदेश में जुड़िए। भाइयों बहनों, आज मैं सबसे पहले इन सारे मंत्रियों का, उनके मंत्रालयों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरे जैसे एक सांसद के क्षेत्र में आपने इतनी सारी योजनाएं लागू की और मेरे यहां के मतदाताओं की सुविधाओं के लिए आपने इतना बढ़िया बढ़िया काम किया, तो मैं पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं रेलवे विभाग के अधिकारियों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने मेरे स्वभाव को भली भांति समझ करके प्रकल्प को समय से पहले पूरा कर दिया। वरना सरकारें ऐसी होती हैं कि शिलान्यास एक सरकार करती है, उद्घाटन दूसरी या तीसरी सरकार के नसीब में आता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन वो पत्थर वहीं पड़ा रहता है। ये ऐसी सरकार है जो शिलान्यास भी हम ही करते हैं और उद्घाटन भी हम ही करना चाहते हैं। योजनाएं समय सीमा में होनी चाहिए, निर्धारित बजट में होनी चाहिए, हो सके तो समय भी बचना चाहिए, धन भी बचना चाहिए और काम उत्तम होना चाहिए। ये कल्चर विकसित करने का प्रयास दिल्ली में जो आपने सरकार बिठाई है वो कोशिश कर रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर क्षेत्र में होने वाला है। आपने देखा होगा यहां जितने मंत्री हमारे बोले, जितनी आपको कार्यक्रम की योजनाएं बताई उसके साथ साथ समय भी बताया, क्योंकि मेरा एक आग्रह रहता है, मैं कार्यक्रम में या कोई फाइल पर साइन करता हूं पूछता हूं जरा पहले ये बताओ पूरा कब करोगे। योजनाएं सिर्फ अखबारों में छपने के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ अखबारों में वाहवाही के लिए नहीं होती हैं, योजनाएं जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाएं इसको कार्यान्वित करने के लिए होती है। और इस सरकार का आग्रह है कि हम जो योजनाएं लाएंगे लागू करके रहेंगे। अब यहां आपने अभी देखा सुकन्या समृद्धि योजना, अब जिस दिन योजना हमने घोषित की होगी अखबार में भी आ गया, कुछ लोगों ने जाना कुछ लोगों ने नहीं जाना, बात पूरी हो गई। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम पीछे लगे रहते हैं। बताओ भाई, सभी बच्चियों को लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पीछे लगे हो कि नहीं लग रहे हो, देख कर रहे हैं लोग। यहां आपने देखा कुछ परिवारों को गैस सिलेंडर देने का मुझे अवसर मिला। हमें मालूम है गैस सिलेंडर पाना पहले कितनी दिक्कत का काम हुआ करता था, सिफारिश लगानी पड़ती थी, एमपी साहब के अगल बगल में जाना पड़ता था, बड़े बड़े अफसर भी एमपी को पकड़ देते कि साहब मेरी ट्रांसफर यहां हुई है, मैं यहां आया हूं, जरा गैस का कनेक्शन मिल जाए, देखिए ना मेरी मुसीबत है। और एमपी को 25 कूपन मिला करती थी गैस का कनेक्शन दिलवाने के लिए, और वो एमपी 25 कूपन लेकर के घूमता रहता था, उसके पीछे 200-200 लोग घूमते रहते थे, साहब एक कूपन मुझे भी दीजिए ना। ये सब चला गया, सरकार सामने से गरीबों को ढूंढ रही है, गरीबों के घर को ढूंढ रही है। और मेरा सपना है 3 साल में
हिंदुस्तान के गरीब परिवारों के घर में जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, हर दिन मां के शरीर में खाना पकाने में 400 सिगरेट जितना धुआं जाता है, उन माताओं को उस धुएं से बचाना है, गरीब के घर में गैस का चूल्हा जलाना है, ये कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आज वाराणसी में पाइपलाइन से गैस का कार्यक्रम का शिलान्यास हो रहा है। रसोई घर में नलके से भी पानी अभी हर घर में आता होगा कि नहीं आता होगा मुझे मालूम नहीं है। अभी भी लोगों को घर के बाहर शायद पानी लेने के लिए जाना पड़ता होगा। मेरी कोशिश है और खास करके काशी की माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब रसोई घर में ऐसे ही चकली यूं करोगे तो गैस आ जाएगा, खाना पकना शुरू हो जाएगा। निर्धारित समय में सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके एक गैस की पाइपलाइन बिछाने की दिशा में आज कार्य आरंभ हो रहा है। इकोनॉमी में ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व होता है। गैस आधारित इकोनॉमी, फर्टिलाइजर के उत्पादन में गैस की जरूरत होती है और उसके लिए जगदीशपुर हल्दिया ये जो पाइपलाइन का काम था वो तो होना ही होना है, ट्रंक पाइपलाइन। लेकिन उसके साथ हमने देश में 7 शहर, विशेष करके पूर्वी हिंदुस्तान के वाराणसी, रांची, पटना, जमशेदपुर, कटक, भुवनेश्वर, कोलकाता, इन शहरों में पाइपलाइन से गैस देने का हमने तय किया है। उसके तहत आज मेरे संसदीय क्षेत्र के परिवारों के घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है। इसके कारण यातायात में भी जहां आप पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलाते हैं अब सीएनजी से गाड़ी चला पाएंगे। पेट्रोल डीजल से सीएनजी सस्ता भी पड़ता है, एनवायरमेंट को भी फायदा करता है। यहां करीब 20 लाख व्हीकल जो है उसको इसका फायदा मिलेगा जब सीएनजी के स्टेशन लग जाएंगे। और इन सारे क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में जो व्हीकल है इन 7 शहरों में, एनवायरमेंट को बहुत बड़ा लाभ होगा। देश को विदेशों से जो पेट्रोलियम लाना पड़ता है उसमें भी आर्थिक रूप से देश की बचत होगी। तो एक ऐसी योजना जो जन सुविधा को भी उपयोगी है, जो भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए भी पर्यावरण की रक्षा करने वाली योजना है। और ये मेरा साफ मत रहा है कि हम सोचे कि भारत का कोई इलाका आगे बढ़ जाए तो देश आगे बढ़ जाएगा, ये संभव नहीं है। देश तभी आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान के हर कोने में विकास हो, विशेषकर हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में विकास हो, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हो, असम हो, ये सारा क्षेत्र आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाना है तो हमें इस प्रकार की सुविधाओं से जोड़ना होगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा काशी के संगीत की दुनिया को हेरिटेज में स्थान मिला था, वो काशी के लिए गौरव का विषय था। ये सर्व विद्या का केंद्र है, संगीत की दुनिया में काशी ने देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है।
उस विरासत को हेरिटेज के रूप में दुनिया के अंदर स्थान मिला। उसी से प्रेरणा लेकर के आज काशी का पोस्टल स्टैम्प, और मैं चाहूंगा कि काशी के लोग तो अपनी डाक में ये काशी का ही पोस्टल स्टैम्प लगाने की आदत डालें, वो अपने आप में आपका परिचय बढ़ाता है, और एक बार पोस्टल स्टैम्प जाता है दुनिया में टूरिज्म के लिए वो एक उपकारक होता है, उसे एक पहचान बनती है, काशी का गौरवगान होता है। बहुत पहले शहरों की डाक टिकट की कल्पना हुई थी हमारे देश में, लेकिन वो मामला आगे बढ़ा नहीं। हमने काशी को इस काम के लिए चुना, फिर से एक बार शुरुआत हुई है, और इसके कारण हमारे इन पुरातन शहर की एक पहचान नए तरीके से दुनिया के सामने पहुंचाने में एक उपकारक काम होगा। आज यहां किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राजा तालाब का प्रोजेक्ट, उसका शिलान्यास हुआ है। हमारे किसान बड़े शहरों के अगल बगल में सब्जी पैदा करते हैं। ये राजा तालाब एक ऐसी जगह है जो पूरा पश्चिम और उत्तर रोड की और रेल की कनेक्टिविटी के लिए बहुत सेंटर पॉइंट है, और यही इलाका है जहां सबसे ज्यादा हमारे किसान सब्जी और फलों की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। अगर उनको इस प्रकार की सुविधा मिले और उनका ये वेस्टेज बच जाए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए तो हमारे किसान को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और ये व्यवस्था ऐसी है जो इस इलाके के किसानों के लिए बहुत उपकारक होने वाली है। वो अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से दाम जो मिलेगा तब माल बेच सकता है, तब तक अपना माल सुरक्षित रख सकता है, और सुरक्षा मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा से वो कनेक्टेड हो तो किसान न सिर्फ इस इलाके में, वो कलकत्ता लेकर से दिल्ली तक कहीं पर भी अपनी सब्जियां बेचने के लिए पहुंचा सकता है। और यहां की फूल गोभी वगैरह तो बड़ी प्रसिद्ध है, यहां की चीजें बड़ी स्वादिष्ट है, मां गंगा के आशीर्वाद है यहां की कृषि उत्पादन पर, उसका एक अनोखा टेस्ट भी है, तो इसके कारण एक बाजार में उसकी एक पहचान बनेगी। आज हमारे मनोज सिन्हा जी ने काशी को एक और गौरव दिया। डाक विभाग हमारे देश की बहुत पुरातन व्यवस्था है, और डाकिया, जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, डाकिया हर घर में इंतजार का कारण हुआ करता था। डाक आए ना आए, लेकिन हर परिवार बाहर झोंकता था, डाकिया आके गया तो नहीं ना। अगर बेटा बाहर रहता है तो हर दिन वो डाकिया को याद करती है। डाक की अपनी एक महत्व है, नए स्वरूप में अब डाक का रूप बदल चुका है। हम डाक को बैंकिंग सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। देश में आज जितनी बैंक की ब्रांच है उतनी ही अकेली पोस्ट की ब्रांचेज है, 1.5 लाख से ज्यादा, वे सब बैंकिंग का काम करेंगी। और उस जब एक नया जोन बनता है तो यहां की सुविधाओं पर एक विशेष निगरानी बनती है, एफिशिएंसी आती है, परिणाम मिलता है, और वो काम करने के लिए एक क्षेत्रीय व्यवस्था काशी के आसपास के जिलों को जोड़कर के बनी है। ये नया जोन निर्माण किया गया है। आने वाले दिनों में अब आजकल ई कॉमर्स का मामला बहुत बढ़ रहा है, लोग ऑनलाइन अपनी चीजें खरीदते हैं, लेकिन डिलीवरी के लिए वो एक वक्त दूर नहीं होगा जब पोस्ट ऑफिस डिलीवरी के बहुत बड़े केंद्र बन जाएंगे। आज मनरेगा के पैसे देने हो, स्कॉलरशिप के पैसे देने हो, पेंशन के पैसे देने हो, बैंकों की ब्रांचेज कम है, ये सुविधा बढ़ने के कारण जो बुजुर्ग लोग हैं, विद्यार्थी हैं,
विरोध है उनको बैंक से डाक और बैंक जुड़ने के कारण ये सुविधाएं सरलता से उपलब्ध होगी। ये पेमेंट बैंक होने के कारण व्यापारी आलम को भी अपना कारोबार चलाने के लिए छोटे छोटे व्यापारियों के लिए एक नई सुविधा उपलब्ध होगी। तो इस काम को भी आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। रेल हमारे देश की बहुत पुरानी व्यवस्था, लेकिन वो ऐसी फंस गई, उसका उपयोग सिर्फ पार्लियामेंट में जब बजट आता था और रेल मंत्री हजारों लाखों करोड़ की योजनाएं बनाए, कोई एमपी सुनता नहीं था। लेकिन जैसा ही वे बोलना शुरू करते थे कि फलाने शहर से फलाने शहर तक एक डिब्बा जोड़ दिया जाएगा, तुरंत एमपी तालियां बजाना शुरू करते थे। फलानी जगह पर स्टॉपेज दिया जाएगा, तालियां बजती थी। फलानी जगह पर नई ट्रेन लगाई जाए, तालियां बजती थी। रेलवे बजट इसी पर सीमित हो गया, क्योंकि किस एमपी की कौन से इलाके में ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी, जाएगी या नहीं जाएगी, यहां पर रेल सीमित हो गई। हमने सपना देखा है रेल भारत की, इतना बड़ा नेटवर्क है, लेकिन उसके हाल चाल रूप रंग ढंग पिछली शताब्दी के। रेल को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, रेल की स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है, रेल को इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन की आवश्यकता है, गेज कन्वर्जन की आवश्यकता है, दूर सुदूर इलाकों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, और इसलिए बहुत बड़ा प्लान। और जैसा हमारे रेल मंत्री जी कह रहे थे, आजादी के बाद जितने रुपये खर्च किए गए पिछले 2.5 साल में, मैं कह सकता हूं इतने वर्षों में जितना काम नहीं हुआ इतने महीनों में रेलवे के पीछे हमने लगाया है। और उसी के तहत ये जब इलाहाबाद डबल लाइन हो जाएगी, नया ब्रिज बन जाएगा, गति भी बढ़ेगी, व्यापार को भी फायदा होगा, और एक बार इस प्रकार की गतिशील इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो जाता है तो आर्थिक गतिविधि भी तेज हो जाती है। ये सिर्फ पटरियों का खेल नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेन दौड़ने वाला खेल नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी को बदल देता है। और इस काम के लिए ये बड़ा अहम कदम आज यहां पर हमने उठाया है और उसका भी लाभ आपके साथ होने वाला है। आज बिजली के लिए भी एक लोकार्पण हुआ। बिजली होती तो है, लेकिन ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि बिजली के कारखाने में बिजली बनने से बिजली मिलती नहीं है। बिजली कारखाना भी लग गया, तार भी लग गए तो बिजली आते ऐसा नहीं है। जैसे पानी के बहाव को पहुंचाने के लिए डैम की जरूरत पड़ती है, या ट्यूबवेल किया तो पानी को ऊपर ले जाकर के टंकी में भरने के बाद पानी पहुंचता है, वैसे ऊर्जा को भी बिजली को भी इस प्रकार के सबस्टेशन की जरूरत पड़ती है जिससे बिजली को आगे पहुंचाने के लिए धक्का लगता है। ये बड़ा खर्चीला काम होता है, लेकिन अगर सबस्टेशन की व्यवस्था ना हो तो बिजली आती है जाती है, कभी टीवी जल जाते हैं, कभी मोटर जल जाती है, कभी एसी जल जाता है, फ्लक्चुएशन होता है, स्टेबिलिटी नहीं आती, क्वालिटी पावर नहीं मिलता है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्यादातर सरकारों को इस प्रकार के खर्च करने से डर लगता है। उनको लगता है ठीक है लोग चला लेंगे, बिजली आई नहीं आई वो थोड़े दिन चलाते रहे, नहीं, क्वालिटी बिजली होती है तो आर्थिक विकास का बहुत बड़ा सरल रास्ता हो जाता है। उद्योगकार भी पैसे तब लगाते हैं जब क्वालिटी बिजली मिलती है, आती है जाती है, पूछते हैं करते हैं रहते हैं, हुआ नहीं हुआ तो कभी विकास नहीं होता है। ये जो पावर के सबस्टेशन डाले गए आज जिसका उद्घाटन हुआ है वो क्वालिटी पावर की एक गारंटी देते हैं। एक प्रकार से आज इसी एक समारोह में करीब करीब 5,000 करोड़ रुपया का काम काशी की धरती को अर्पित हो रहा है।
ये छोटा काम नहीं है। और बड़ी बड़ी योजनाएं मैं कहूं तो आज 7 योजनाएं मेरे काशीवासियों को या तो लोकार्पण के रूप में या शिलान्यास के रूप में आपके सामने मैंने रखी है। एक प्रकार से ये सप्तर्षि है, जैसे आसमान में सप्तर्षि दिशा का काम करते हैं, सप्तर्षि को देख करके समंदर में नाविक अपनी दिशा तय करता है। पहले के जमाने में जंगलों में रास्ता काटने वाले लोग उन सप्तर्षि को देख करके अपनी राह तय करते थे अंधेरे में। ये सप्तर्षि कांची की विकास की राह तय करने वाला एक अहम कदम आज सप्तर्षि के रूप में आज काशी की धरती को मुझे देने का सौभाग्य मिला है। काशी का अविरत प्यार मुझे मिलता रहा है, भरपूर प्यार मिलता रहा है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि विकास की यात्रा तेज गति से पूरे पूर्वी भारत को बदलने का काम करेगी और काशी अपनी ताकत दिखा के रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज काशी का नाम जैसे पवित्रता से जुड़ा हुआ है, वैसे तुलसी का नाम भी पवित्रता से जुड़ा हुआ है। तुलसी का पवित्र। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 योजनाओं की, 7 कदमों की घोषणा की, शिलान्यास लोकार्पण भी उसमें शामिल हैं। चाहे हम बात कर ले वाराणसी के जो शहर है उस पर एक डाक टिकट जारी किया गया, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पर्यटन और तमाम जो दुनिया के लोग हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। और सीधे आपको लिए चलते हैं हम सीधे एक बार फिर से वाराणसी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को तुलसी का पवित्र पौधा स्मृति के तौर पर प्रदान कर रही हैं माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री। और अब किताबों का संग्रह प्रदान करने के लिए मैं माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे से निवेदन करती हूं, जो माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं रेल राज्य मंत्री हैं। हम आपको बता दें कि भारत के प्राचीन शहर वाराणसी की समृद्ध विरासत और संस्कृति को दर्शाती प्रबुद्ध साहित्यकारों की रचनाओं का ये संकलन है। और उसके बाद पेंटिंग भेंट करने के लिए मैं CMD गेल श्री BC त्रिपाठी से निवेदन करती हूँ। माननीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के छात्रों द्वारा बनाई गई कलाकृति आपको सादर समर्पित है। इन कृतियों द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग इन छात्रों के वार्षिक शिक्षा व्यय में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्य ये काशी जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं उसकी संस्कृति और अस्मिता के रक्षक बने हुए हैं, विकास के पुरोधा बने हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं। काशी से शुरू विकास गंगा बह निकली है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक संपन्नता प्रसन्नता से निहाल